वेलकम ऑल स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द नरेटर सी व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ हिज हाउस और रूम। नरेटर ने क्या देखा जब नरेटर ने अपनी अपने घर की खिड़की के बाहर है वो क्या देखा। व्हाई कुड ही नॉट बिलीव हिज ओन आईज, उसको अपनी ही आंखों के ऊपर विश्वास क्यों नहीं हुआ। आंसर रहेगा द नरेटर सा दैट हिज कजन वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। नरेटर ने देखा कि उसका कजन है मुराद वो एक सुंदर सफेद घोड़े के ऊपर है वो बैठा हुआ है। ही ऑफर्ड द नरेटर टू हैव ए राइड ऑन दिस ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। मुराद ने या नरेटर के कजन ने उसको ऑफर किया, इस बात का प्रस्ताव रखा उसके सामने कि वो भी ब्यूटीफुल सुंदर व्हाइट हॉर्स के ऊपर घुड़सवारी करने के लिए आ जाए। बट द नरेटर कुड नॉट बिलीव हिज ओन आईज, लेकिन उस वक्त नरेटर को अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बिकॉज क्योंकि बीइंग पुअर, क्योंकि वो गरीब थे, हिज कजन कुड नॉट अफोर्ड ए हॉर्स, उसका कजन कोई भी घोड़ा है वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, घोड़ा उनकी उनकी बस से परे था, तो इसलिए उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, वाई वॉज द नरेटर शॉक्ड वेन ही केम टू नो दैट हिज कजन हैड स्टोलन द हॉर्स। नरेटर है वो क्यों हैरान हो गया इस बात को जानकर कि उसके कजन मुराद ने एक घोड़ा है वो चुराया है। द नरेटर वॉज शॉक्ड, नरेटर इसलिए शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया, शॉक्ड मैंने हैरान होना, सरप्राइज भी आ सकता है यहाँ। बिकॉज ही एंड हिज कजन बिलोंग टू ए वेरी पुअर बट ऑनेस्ट ट्राइब, क्योंकि वो और उसका कजन एक बड़े ही ईमानदार लेकिन एक गरीब कबीले से ताल्लुक रखते थे। नो मेंबर ऑफ देयर ट्राइब कुड स्टील एनीथिंग ऑफ अदर्स, उनके कबीले का कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति की चोरी नहीं कर सकता था। दैट इज वाई ही वॉज शॉक्ड, इसी कारण से उसको बड़ी ही हैरानी हुई जब उसको ये पता चला कि उसके कजन ने एक घोड़ा है वो चुराया है। थर्ड क्वेश्चन, द नरेटर वॉज प्राउड ऑफ हिज ट्राइब्स ऑनेस्टी। नरेटर को अपने ट्राइब की ऑनेस्टी के ऊपर है वो बड़ा ही फखर था, बड़ा ही उसको एक प्रकार से गर्व था। ठीक है, उसके बाद में Then why did he agree to enjoy horse riding on a stolen horse? फिर भी वो एक चुराए गए घोड़े के ऊपर horse riding करने के लिए क्यों राजी हो जाता है? क्या है आंसर? Firstly, he thought that stealing a horse for a horse riding was not a theft. पहले तो उसने सोचा कि एक घोड़े को घुड़सवारी के लिए चुराना एक चोरी नहीं कही जाएगी। इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड ए थेफ्ट अनलेस दे ऑफर टू सेल द हॉर्स टू समबडी एल्स। ये बात है वो तब तक चोरी नहीं हो कहलाएगी जब तक कि वो उस घोड़े को किसी दूसरे को एक प्रकार से बेच नहीं देते, ऑफर नहीं कर देते उसको बेचने का। सेकेंडली, बोथ वर वेरी फॉन्ड ऑफ एंड क्रेजी अबाउट हॉर्स राइडिंग, और दूसरा वो दोनों ही घोड़सवारी का उनको बड़ा ही शौक चढ़ा हुआ था। ठीक है, वो घुड़सवारी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, इसलिए क्या है कि नरेटर एक चुराए हुए घोड़े के ऊपर भी घुड़सवारी करने के लिए राजी हो जाता है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन, अभी एक मिस्टेक थी उसको ठीक किया जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द नरेटर्स अंकल से व्हेन हिज ओन सन टोल्ड हिम दैट हिज हाउस वॉज ऑन फायर। नरेटर के अंकल ने क्या कहा जब उसके खुद के ही बेटे ने उसको ये कहा कि उसके घर में आग लगी हुई है, तो उसने क्या कहा था? ही सैड इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उसने ये कहा था आगे से कि कोई बात नहीं, जो होना है वो हो गया, पे नो अटेंशन टू इट।
नेक्स्ट है, व्हाट डिड द नरेटर एंड हिज कजन डू विद द हॉर्स आफ्टर मीटिंग इट्स ट्रू ओनर। जब नरेटर और उसके कजन ने क्या किया जब उन्हें घोड़े के असली मालिक का पता चल गया। दे टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड। वो घोड़े के मालिक जॉन बायरो के वाइन यार्ड पर जाते हैं एंड पुट इट देयर इन द बार्न, और उसके खलियान में उसको वहां बांध देते हैं। तो देर आर टोटल 10 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।